हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे व्हीट एक्सपोर्ट बैन पर चाइना आया इंडिया के साथ। दोस्तों, चीन और इंडिया की रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जहां बॉर्डर पर दोनों ही कंट्रीज के बीच समय समय पर स्टैंड ऑफ देखने को मिलते रहते हैं, तो वहीं दोनों कंट्रीज होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा है। ज्यादातर मौकों पर तो चीन इंडिया के खिलाफ ही स्टेटमेंट्स देता पाया है, पर कुछ ऐसे मौके होते हैं जब चीन भी इंडिया को सपोर्ट करता है। जैसे हाल ही में जब यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया को धमकी दी थी कि वो अगर रशिया के अगेंस्ट क्लियर स्टैंड नहीं लेता है तो फिर दूसरी कंट्रीज भी उसे फ्यूचर में चीन के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं करेगी। इस पर इंडिया ने क्लियरली कह दिया था कि वो एक फ्यूचर में हेल्प की आशा रखते हुए किसी से प्रेजेंट में झूठ मूठ का झगड़ा मोल नहीं लेगा। और रही बात चीन की, तो इंडिया और चीन अपने मैटर्स खुद हैंडल कर सकते हैं। इस पर चीन ने भी इंडिया को सपोर्ट किया था और कहा था कि इंडिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब एक बार फिर से चीन इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर की वजह से फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज इंडिया को व्हीट एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेशराइज कर रही थी, पर 13 मई को व्हीट के बढ़ते प्राइसेस और इंडिया में हुए कम व्हीट प्रोडक्शन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने व्हीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। और अब चीन इंडिया के इस फैसले को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में जब WTO की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें कई कंट्रीज ने इंडिया को उसके व्हीट ना एक्सपोर्ट करने के फैसले को लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया। इस पर चीन ने इंडिया को सबके सामने खुलकर सपोर्ट किया। चीन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि इंडिया को टारगेट करना गलत है, और वो भी तब जब इंडिया के इस फैसले का रीजन था कि उसने जिन नेबरिंग कंट्रीज के साथ पहले से एग्रीमेंट साइन किए हैं उन्हें व्हीट एक्सपोर्ट कर सके। इतना ही नहीं, बीजिंग ने तो UK जैसी कंट्रीज पर निशाना भी साधा और कहा कि गलती ऐसी कंट्रीज की है जिन्होंने ग्लोबल मार्केट स्पेकुलेशन को रोकने की कोशिश करने की बजाय सिर्फ इंडिया को ब्लेम किया। बता दें कि इंडिया ने भले ही 13 मई को बिगड़ती सिचुएशंस की वजह से व्हीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, फिर भी उसने जिन कंट्रीज के साथ 13 मई से पहले एग्रीमेंट्स किए थे उन्हें व्हीट एक्सपोर्ट करना कंटिन्यू रखा। इतना ही नहीं, इंडिया ने उन कंट्रीज जिनको व्हीट की जरूरत बहुत ज्यादा थी उन्हें भी व्हीट एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।